हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। तो फ्रेंड्स, एक फेशियल और लेके आई हूँ मैं फेशियल की वीडियो। जो मेरी क्लाइंट है उनके फेस में आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन है एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा है एंड पिगमेंटेशन है। तो पिगमेंटेशन भी है एंड इनको जो फेशियल चाहिए वो फेयर चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा फेशियल चाहिए जो मेरी स्किन पे ग्लो आए मेरे फेस पे। तो मैंने ओरिफ्लेम का सजेस्ट किया कि ओरिफ्लेम का आप लो, क्योंकि इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है एंड बजट के अकॉर्डिंग मैंने इनको ये सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लीचिंग कर रही हूँ मैं इनकी। और ब्लीच मैंने ली है ऑक्सी ब्लीच की एंड फेशियल मैंने जो किट ली है वो है ओरिफ्लेम की। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं ब्लीच कर लेती हूँ एंड सारे स्टेप्स बताऊँगी इस फेशियल में। तो वीडियो पूरी देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, यहाँ पर सारे स्टेप्स बता रही हूँ, कहीं भी मैंने फास्ट नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने स्लोली ही जितने भी मैंने स्टेप्स किए हैं सारे स्लो ही किए हैं और मैंने कहीं भी फास्ट नहीं किए हैं आप लोगों को बताने के लिए। खासकर मुझे इंस्टाग्राम में DM आए थे कि फेशियल से रिलेटेड मुझे कुछ बताइए, स्टेप्स बताइए, कौन से फेशियल ले, कौन से स्किन पे कौन से फेशियल लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप पपाया की फेशियल ले सकते हैं, और अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप ब्राइटनिंग वाली फेशियल लें जो लोटस की होती है, लोटस की ब्राइटनिंग फेशियल आती है। उसके बाद आप शहनाज भी ले सकते हो, शहनाज भी बहुत अच्छी फेशियल है एंड किट है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड अगर आप ब्राइडल हो तो आप O3 शाइन की आप ले सकते हो, और उसमें ब्राइडल में आप लोटस भी ले सकते हो। एंड अब अपने क्लाइंट की मैं ब्लीच चेक कर लेती हूँ, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं इनको ब्लीच लगा कर छोड़े हुए। उसके बाद मुझे यहाँ पर लग रही है कि ब्लीच हो गई है, क्योंकि ब्लीच सूख भी गई है और कई क्लाइंट्स के स्किन थोड़े से अलग से होते हैं तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने नॉर्मल वाटर ले लिया है और अभी जो सीजन चल रहा है, अभी मैरिज का सीजन चल रहा है एंड जो मौसम है अभी का जो मौसम है वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल है, मीडियम है, तो अच्छा है। इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर जो वाटर लिया है, मैंने वार्म वाटर नहीं लिया, नॉर्मल ही ली है। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच को मैंने क्लीन कर दिया है, फर्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्लींजिंग। हर फेशियल किट में फर्स्ट क्लींजिंग आती है, एंड नहीं तो अगर क्लींजिंग नहीं है तो फर्स्ट स्क्रब आती है। तो ओरिफ्लेम में सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फेस वॉश का। जैसे हम फेस वॉश करते हैं और झाग से आती है, वैसे ही इस फेस वॉश में भी है। तो हम पूरे फेस को क्लीन करेंगे, क्लींजिंग करेंगे इसी फेस वॉश से। और इसमें मैं सेम वैसे स्टेप्स कर रही हूँ, क्योंकि फेस को क्लीन करना है। एंड इसके बाद जो अगर आप आगे वीडियो देखते रहोगे, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे, तो बहुत सारे स्टेप्स मैंने इस फेशियल में चेंज किए हैं, क्योंकि एक ही स्टेप्स हर फेस में नहीं होती है, एज के अकॉर्डिंग भी फेशियल्स होते हैं। एंड स्किन टाइटनिंग एंड प्रेशर पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी हम मैंने दिए हैं, आप बस वीडियो एंड तक देखिए। और यहाँ पे मैंने कहीं भी फास्ट नहीं की है, आप देख सकते हैं मैंने स्लोली की है, ताकि मैं आपको स्टेप्स वगैरह समझा पाऊँ, जिससे उनको अगर कोई भी मेरे फेशियल वीडियोज़ को देखते हैं तो वो सीख सकें, अगर सीखना चाहते हैं तो एंड फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं क्लींजिंग करती हूँ, इसे क्लीन करती हूँ, फिर हम आएंगे स्क्रब पे।
तो गैस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिए क्लींजिंग को, उसके बाद नेक्स्ट मैं स्क्रब कर रही हूँ। एंड ओरिफ्लेम का जो स्क्रब है वो दानेदार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे मैं जब करती हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि मैं स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ब्रांड की दानेदार होती है बहुत ज़्यादा। एंड जो दानेदार होती है स्क्रब उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, और इस ओरिफ्लेम स्क्रब की भी बहुत अच्छी, इसके दानेदार नहीं है बट बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं लास्ट में दिखाऊँगी। एंड मैंने इसका सेल्फ भी की थी, इस फेशियल करते करते ही इसकी ग्लो आ गई थी। तो इसका जो फॉर्म है स्क्रबिंग का बहुत लाइट है, एंड जो मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो भी नॉर्मल स्किन है। अगर मैं दूसरा स्क्रब लेना चाहती, दूसरी ब्रांड की दूसरी फेशियल करना चाहती तो वो भी मैं कर सकती थी, बट इसकी ग्लो फेशियल करते के साथ ही आ जाती है, इसलिए मैंने अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट किया कि आप ओरिफ्लेम कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो शहनाज है लोटस है उसकी रिजल्ट नहीं आती, मैंने बोला शुरू में ही, स्टार्टिंग में मैंने बोला बजट के अकॉर्डिंग हम फेशियल सजेस्ट करते हैं, एंड ग्लोइंग तो सभी फेशियल किट की आती है। एंड ठीक है, अब मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो फेशियल के स्टेप्स है वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे नए नए स्टेप्स दिखेंगे आपको। एंड आई में इस तरह की मैं स्टेप्स कर रही हूँ, आई एरिया में ऐसे ही स्टेप्स चलेंगे, दूसरे में ज़्यादा इसमें रब नहीं कर सकती हैं, बहुत ही लाइटली करना है, ये भी आई के लिए ही स्टेप्स है। तो आप ये सब सारे स्टेप्स को आप देख सकते हैं, एंड अगर आप फेशियल घर पे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो आप किसी के ऊपर भी, एंड ट्राई करना चाहते हो जो बिगिनर्स है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखिए, ये आई में इस तरह के स्टेप्स कर रही हूँ मैं, एंड चिक्स में एंड नोज़ एरिया में भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माउथ एरिया है वो भी ब्लैक होती है एंड चिक्स होती है वो, क्योंकि टैनिंग हमारी सबसे ज़्यादा माउथ एरिया चिन एरिया में होती है, तो वहाँ पर भी मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एंड मेरी क्लाइंट्स के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं इनको स्टीम दूंगी, स्टीम देने के बाद मैं वाइट हेड्स रिमूव करूंगी। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, चिक्स में ऐसे स्टेप्स कर सकते हैं जो राउंड राउंड होती है, क्योंकि चिक्स में बहुत ज़्यादा इनके पिगमेंटेशन है, कैमरे में ज़्यादा नहीं दिख रही है बट इनके हैं, और पिगमेंटेशन के लिए इनके डेली के लिए डेली क्रीम मैंने कंचन काया सजेस्ट की है, क्योंकि मैंने कंचन काया के ऊपर बहुत सारी वीडियो में बना चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर लिंक चेक कीजिए एंड मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको नए नए देखने को एंड सीखने को मिलेगी। और अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का वेट करती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि न्यू वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू स्टेप्स वगैरह। तो चलिए आप यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, स्क्रबिंग हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने फास्ट नहीं किया है बट ज़्यादा लंबा में, जैसे स्क्रबिंग 3 से 4 मिनट की होती है तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया है, मैंने वीडियो को कट कर दी है बट मैंने फास्ट नहीं की है। तो अब मैं करूँगी जेल, और ओरिफ्लेम की जो हल्दी चंदन वाली है वही वाली फेशियल कर रही हूँ, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग पहले भी कर चुकी हूँ इसलिए मैंने नहीं बताया, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा क्योंकि वो वीडियोस मेरी कंटिन्यूसली देखते हैं, तो उनको पता है ये वाली फेशियल की। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, जो फेशियल कर रही हूँ मैं उसमें हल्दी चंदन एंड हनी ऐड है, तो बहुत ही अच्छा है फेशियल के लिए। हनी हमारी स्किन को टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करती है, तो हनी ऐड है, एंड चंदन आपको पता ही हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है, एंड हल्दी जो है वो टर्मरिक है, हमारे स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो उसे हमारी प्रॉब्लम को हटाती है। तो हल्दी चंदन एंड हनी का जो फेशियल किट है फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैंने बता दिया किट के बारे में, एंड यहाँ पे स्टेप्स के बारे में भी बता दिया मैंने, न्यू स्टेप्स मैंने यहाँ पे की है। तो चलिए देखिए आप ये वाले स्टेप्स, उसके बाद मैं स्टीम दूंगी अपनी क्लाइंट को।
अब मैं यहाँ इनको लास्ट में स्ट्रीम दे रही हूँ क्योंकि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को निकालना है मुझे, तो स्ट्रीम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट देनी है जिससे कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थोड़ा नॉर्मल हो जाए और रिमूव करने में इजी हो जाए, वरना क्लाइंट्स को थोड़ी सी पेन होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टीम दे रही हूँ। स्टीम के भी थोड़ा सा टाइम लगेंगे 10 से 15 मिनट, बट मैं इतना टाइम तक वीडियो में आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कट कर दूँगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टीम देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी क्लाइंट के ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कितने हैं। बहुत ज़्यादा है इनके, जब मैं रिमूव कर रही थी तो और ज़्यादा निकल रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टीम हो चुकी है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा और क्लोज करके, यहाँ पे एक ब्लैक हेड्स है, ये देखिए कैमरा में शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक हेड्स है। एंड जिनके भी स्किन में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो एक बार में अच्छी तरह से रिमूव नहीं होते, उनको सीटिंग देनी पड़ती है, और सीटिंग देने के लिए हम अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं कि कितनी सीटिंग होगी आपकी, और उतनी सीटिंग में आपको आना पड़ेगा जितनी बार हम उनको बुलाते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जितना भी रिमूव होगा उतना हम करेंगे, एंड सेकंड एंड थर्ड में इनको सेटिंग दिया हुआ है, एंड सेकंड थर्ड जो सेटिंग है ये कोलकाता में लेंगे क्योंकि ये वहाँ से आए हुए हैं। तो फर्स्ट ही मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सेकंड थर्ड इनको जहाँ भी लेना होगा वो ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं वाइट हेड्स कितनी ज़्यादा निकल रही है, एंड स्किन में अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होना तो बहुत ज़्यादा ही स्किन भद्दा सा लगता है, मीन्स की ग्लोइंग ही नहीं रहती स्किन में, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई ड्राई सा रहती है। तो आप दोनों साइड देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा नोज एरिया में ही रहती है, एंड बाकी साइड में ब्लैक हेड्स है, नोज एरिया में वाइट हेड्स है, एंड बाकी जो फेस चिक्स में एंड फोर हेड में इनके ब्लैक हेड्स हैं। तो चलिए अब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं जितना होगा फर्स्ट सिटिंग में। और हाँ, जब भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को हम रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा पेन तो होती है क्योंकि हमें जो हमारा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूवर है उसे हम थोड़ा सा पुश करते हैं जिससे कि जो वाइट हेड्स है वो निकल जाए। तो अपनी क्लाइंट को ये पहले ही समझानी है कि थोड़ी सी पेन होगी तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, एंड हमें पूरी कोशिश करते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनको पेन ना हो, क्योंकि अगर क्लाइंट्स को किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो वो दोबारा हमारे पास सर्विस के लिए नहीं आते हैं, और मैं ये कोशिश नहीं करती हूँ कि मेरे क्लाइंट मेरे पास दोबारा ना आए। तो चलिए ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी रिमूव हो गए हैं, अब मैं फेस को क्लीन कर देती हूँ, एंड मैंने यहाँ पे इनको लास्ट में सेटिंग बता दी है। तो कितनी सेटिंग लेनी है ये मैं इनको लास्ट में इनको बता दी है मैंने, तो वो अपने हिसाब से करा लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर ली है, उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है पैक का, और पैक अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तो हम छोड़ेंगे क्योंकि पैक का आपको पता है 10 से 15 मिनट लगती है, और आजकल के पैक ऐसे आ रही हैं किट्स में कि ज़रूरी नहीं है कि वो सूख जाएंगे तभी हम रिमूव करेंगे, 5 से 10 मिनट बहुत ही है, बहुत टाइम है। तो पैक का जो काम होता है वो कर चुकी होती हैं, इसीलिए हम 5-7 मिनट में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं पैक, एंड मैं मिलती हूँ आपको, इनके टाइम हो जाएगी तो फिर मैं रिमूव करने के लिए फिर मैं आती हूँ। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ पैक को, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे सीरम अप्लाई करना है, एंड अपने क्लाइंट को बताना है कि आपको 12 घंटे तक कोई भी फेस वॉश एंड कोई भी सॉप यूज़ नहीं करना है, ये याद से आपको बताना है वरना स्किन पे रैशेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बता दी है कि आपको फेस वॉश एंड सॉप यूज़ नहीं करना है, एंड सीरम अप्लाई करके ही भेजना है जिससे कि वो रास्ते में जाएं तो उनके जो भी डस्ट है वो अगर बैठती है स्किन पे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी, सीरम के साथ ही वो रहेगी, स्किन के अंदर नहीं जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस फेशियल की वीडियो आपको कैसी लगी एंड सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अगर आप न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।